तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इनकॉग्निटो मोड जो होता है। आपने देखा होगा, आपने गूगल क्रोम पे, यूट्यूब पे और बहुत सारे ब्राउजर में आपको प्राइवेट ब्राउजर मिलता है और दूसरे नाम से आपको दिखता है। तो इनकॉग्निटो मोड होता क्या है और मोस्टली उसका यूज़ क्या है और पूरा एक्सप्लेन करने जाऊंगा और ये वर्क कैसे करता है। तो एक एक चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों, तो ये कैसे यूज़ होता है और कैसे वर्क करता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट एक्स में। तो दोस्तों जो कि मैंने आपको बताया पहले ही कि मैं आपको बताने वाला हूँ इनकॉग्निटो मोड होता क्या है। दोस्तों ये मोड वो होता है, तो सबसे पहले आपको बताता हूँ ये चालू कैसे होता है, इसको देखते कैसे हैं, ये पता कैसे चलेगा ये है कहाँ। तो ये आपको दिख रहा होगा गूगल क्रोम का, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। गूगल क्रोम पे आपको खोलने के बाद वहाँ पर आपको थ्री डॉट्स में जाना है। थ्री डॉट्स में जाने के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा न्यू इनकॉग्निटो टैब। तो इनकॉग्निटो टैब होता क्या है, ये आप देखेंगे नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अंदर जो भी आप सर्च करेंगे, वेबसाइट खोलेंगे, जो भी आप वर्क करेंगे उस इनकॉग्निटो टैब के अंदर, वो कोई सेव नहीं होगी। हिस्ट्री आपकी कोई सेव नहीं होगी, कोई कुकीज सेव नहीं होगी, कोई डेटा सेव नहीं होगा। तो ये इसलिए होता है, इससे कह सकते हैं एक प्राइवेट ब्राउजिंग। ये मोस्टली उसके लिए यूज़ होता है, कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पर आपको बताना है या किसी को नहीं बताना चाहता है आपने क्या यूज़ करा है, क्या खोला है, तो आप उस टैब का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हिस्ट्री में सेव नहीं होगी, कुकीज सेव नहीं होगी और कोई भी कैचेस सेव नहीं होंगे। बट एक चीज़ ये है कि ये इंटरनेट आपकी सर्विस प्रोवाइडर, वहाँ पर इसका पूरा डेटा सेव होता है। एक एक चीज़ आपने क्या क्या यूज़ करा है वो पूरी पूरी तरह वहाँ सेव हो जाता है। अगर आपका कोई स्मॉल स्मॉल नेटवर्क है या कहीं लेन लगा हुआ है, आपने वहाँ ग्रुप से चला रहे हैं स्मॉल नेटवर्क से, तो वहाँ भी डेटा सेव होता है। और ये चीज़ें आपको पहले ही वहाँ पर मेंशन है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है, ये यहाँ पर डेटा सेव हो जाता है। कभी ज़रूरत पड़ती है तो डेटा वहाँ से रिकवरी हो जाता है। हाँ, पर अगर आप नॉर्मल अपने घर पर या कोई भी पर्सनली, वहाँ कोई डेटा रिकवर नहीं कर सकता अपने पर्सनल लेवल पे, ये हाई लेवल पे डेटा रिकवर होता है। तो मेनली ये होता है, आपको जैसे मान लीजिए कुछ बैंक की वेबसाइट खोलनी है, आपने बैंक की वेबसाइट या अपने इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करना चाहते हैं तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं, पूरी सिक्योरिटी के साथ रहता है। वहाँ आपके जहाँ आपने अपना डेबिट कार्ड का नंबर, इंटरनेट के आपके यूज़र आईडी या पासवर्ड कुछ भी डाला, कुछ भी सेव नहीं होता है, हर बार ये पूरी पूरी तरह से डिलीट हो जाता है। लाइक आपने देखा हो कभी आप गूगल पर सर्च मारते हैं, गूगल पर कुछ भी सर्च मारते हैं और नेक्स्ट डे अगर फिर आप गूगल खोलते हैं तो आपको प्रीवियस आपका सर्च वहाँ पर दिख जाता है कि पहले आपने क्या सर्च मारा था, तो वो डेटा सेव हो जाता है। पर इनकॉग्निटो मोड पे अगर आप कुछ भी सर्च मारेंगे या कोई वेबसाइट भी खोलेंगे तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। आप जैसे ही दूसरी बार उसको खोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप इसको फर्स्ट टाइम ही एक्सेस कर रहे हैं और ये फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रहे हैं। ये तो हो गया गूगल क्रोम पे, आप उसको इनकॉग्निटो मोड बता सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, आपको यूट्यूब पे आपको दिख रहा होगा, ये बता रहा हूँ मैं, यूट्यूब पे जाएंगे, वहाँ ऑप्शन में सेटिंग्स में जाएंगे, आपको नीचे वहाँ पर इनकॉग्निटो मोड मिलता है। वहाँ जैसे ही जाएंगे तो पूरी आपकी जो डेटा पहले सर्च है पूरा डिलीट हो जाएगा, एक तरह से बिल्कुल फ्रेश यूट्यूब दिखेगा जो कि एक नए मोबाइल में दिखेगा। तो वहाँ भी जो डेटा आप सर्च मारेंगे वो भी सेव नहीं होगा हर बार, वो भी पूरी पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर ब्राउजर्स में भी आते हैं अलग अलग नाम से, किसी में प्राइवेट ब्राउजिंग के नाम से आते हैं, किसी में सीक्रेट ब्राउजर आते हैं, एंड बहुत सारे नाम आते हैं जो दो कि मैं आपको पहले आपको बता भी रहा हूँ कि सैमसंग का इंटरनेट ब्राउजर है, यहाँ पर आप देखेंगे इस नाम से ये दिखता है। तो मोस्टली सिर्फ इसका यूज़ ये होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं जो आप सर्च मारना चाहते हैं और किसी से सिक्योर करना चाहते हैं, किसी से बताना नहीं चाहते आपने क्या सर्च मारा है, तो आप वहाँ सर्च कर सकते हैं। पर ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये डेटा स्टोर होता है, ये मत सोचिएगा डेटा कोई स्टोर नहीं होता, कहीं सेव नहीं होता, ये आपका भ्रम है, डेटा सेफ होता है। अगर उसका रिकवरी करना चाहे तो कोई भी रिकवरी इजीली कर सकता है, अगर ऊपर ऊपर लेवल से, पर अगर एज होम या कोई अपने फ्रेंड सर्कल में कोई भी उसको रिकवर नहीं कर सकता, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटी सी चीज़ जो कि मैंने आपको बताया इनकॉग्निटो मोड के बारे में, अगर आपको ये मेरी वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना ना भूले, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।